देखिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ना सबके लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी पार्टी है जनतंत्र के लिए काम करती है और उसके लिए वोट मांगती है। अधिक वोट आने का मतलब है अधिक लोग की भागीदारी हो रही है, एक शुभ संकेत है जनतंत्र के लिए। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के लिए वोट ज्यादा कम होना ऐसा नहीं होता है। एंटी इनकम्बेंसी में सरकार के प्रति रोष होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब तक की जितनी सरकारें यहां अभी झारखंड में हमने देखी है उसमें जो विकास के काम इस 5 साल में हुए हैं तो एंटी ठीक है, अपेक्षा हो सकता है इससे भी बहुत हो। हमने पहला काम तो ये किया है, मोदी जी ने ये काम किया है पूरे देश में कि हर आदमी की आकांक्षाओं को एक नया आयाम दिया है, तो आकांक्षाएं बहुत बढ़ी है और हम उस दिशा में काफी पहुंचे हैं, क्योंकि एक एक काम जो हुए हैं और आगे की जो योजनाएं हैं किसी ने सोचा नहीं था। इस देश में हर व्यक्ति के घर पे बिजली आ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था कि कोई सरकार एक चुनौती स्वीकार करेगी कि हर घर में हम नल से पानी देंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि हर परिवार को घर मिलेगा, लेकिन ये चुनौतियां हमने रखी है, अपने लिए लक्ष्य रखा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है और इसको जन समर्थन मिल रहा है। जी हाँ, संथाल में देखिए कोलांचल के पीछे एक इतिहास है कि 15 में से 12 हम जीते हुए हैं और हर सीट पे कभी ना कभी हम जीते हैं। संथाल में ऐसा नहीं है, इसलिए हम कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर करना चाहते हैं कि हम 75% सीट वहां जीतेंगे जहां कि हमें माना जाता था कि बल्कि मीडिया के साथ ही मानते थे कि हम वहां पे कमजोर हैं, लेकिन मैं अब यही बताना चाहता हूं कि स्थिति बदल गई है, वहां पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, इसीलिए हो सकता है आपके लिए अप्रत्याशित परिणाम हो।